हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खुशो खुरम होंगे अपने घरों में। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये परिंदे नीचे से गंदे हैं, कुछ ब्रीडिंग टाइम से गुजरे हैं, ठीक है जी। तो इनके लिए एक चीज़ अभी करनी है, क्योंकि मैंने कुछ परिंदे अभी पेयरिंग में डालने हैं नीचे, तो उसके लिए एक प्रोसेस करने लगे हैं नहाने का, ठीक है जी। ये ख़राब कर दिया है, मेरे मिस्त्री लगे हुए थे, उन्होंने ये इनके नहाने के लिए स्पेशल मैंने रखा था। फिर भी आज का गुजारा करते हैं जी। आइडियल बाथ साल्ट बड़ी अच्छी चीज़ है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 1500 से 2000 में है, 1500 से। तो ये कम अज़ कम आपके ये एक साल या चलेगा ये जी, ठीक है। बड़ी अच्छी चीज़ है, जिससे पार भी बहुत अच्छे निकलते हैं, जो आप नए जो मोल्डिंग करते हैं परिंदों की। तो साथ में पार परिंदों के साफ़, नरम, मुलायम और चमकदार होते हैं, ठीक है जी। ऑरेंज कलर का ये पाउडर होता है बाथ साल्ट जो है, ये परिंदे पानी पी भी लें तो कोई इशू नहीं होता जी, ठीक है। ये अंदर ही इसके आता है एक, ठीक है जी। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इसमें डाल दें, ऐड करेंगे क्योंकि पानी ज्यादा है। चलें जी, जी नहाना शुरू हो गया परिंदे। ये पानी पी भी लें तो कोई मसला नहीं है जी, नमकियात हैं और ऐसे की बस चीज़ें हैं। आपके सामने परिंदे पानी पी भी रहे हैं, मेन मकसद नहलाना मेरा इस परिंदे को था, जो मेरा मेन बड़ा परिंदा जी, ये पेयर है, ये बड़ा नारा है मेरा पारस, क्योंकि इसे नीचे लेके जाना है ब्रीडिंग सेक्शन में। अब आहिस्ता आहिस्ता इधर से और 20 जोड़े नीचे लेके जाऊंगा,
कुछ अंडे दे रहे हैं, ये सारी कुछ अंडों पे बैठे हैं। तो कुछ के बच्चे हैं अभी, जिनके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ये पारस, ये भी नीचे जाएगा, ये पारस भी नीचे जाएगा, 100 नंबर बदमाश भी नीचे जाएगा, कमीन बड़े सब नीचे जाएंगे। एक ये अंदर पारस, ये भी नीचे जाएगा, ग्रे आइज बांका, सारे तकरीबन मेन जितने भी बड़े हैं सारे नीचे चले जाएंगे। इधर ऊपर पट्ठे पट्ठियाँ, उनका ये ब्रीडिंग सेक्शन होगा। ये जी जो दिखाना था आपको, बाथ साल्ट, परिंदे बड़े खुश होकर इससे नहाते हैं जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा जी।